हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। एंड टुडेज टॉपिक इज़ रिसर्च। इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम रिसर्च का। सो नया चैप्टर एंड नया सब्जेक्ट आपका है, दैट इज़ रिसर्च। सो रिसर्च इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अनलेस आप इसको समझेंगे नहीं, तब तक आप इसको नहीं लिख पाएंगे। सो पूरा वीडियो देखें और अच्छे से समझें। रिसर्च में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ स्टार्ट करने से पहले, कि जब भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, रिसर्च का कभी भी कुछ भी हम आंसर कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो उसको हमें एग्जाम्पल के साथ लिखना होता है। विदाउट एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो रिसर्च में हमेशा एग्जाम्पल्स को पुट करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिसर्च को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें एंड शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो रिसर्च क्या होती है? रिसर्च का मतलब होता है सर्चिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है, सर्च करना किसी भी चीज़ को बार बार, सर्चिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन सर्च करना, दैट इज़ रिसर्च। सो रिसर्च इज साइंटिफिक सिस्टमैटिक कंट्रोल ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस होती हैं टू डेवलप रिफाइन एंड एक्सपेंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। दिस इज़ द डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी कि रिसर्च इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है और साइंटिफिक प्रोसेस होता है टू आंसर द क्वेश्चंस अबाउट द फैक्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट एंड इट इज़ एन एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सीकिंग आंसर टू एन अनआंसर्ड क्वेश्चन। सो किसी भी चीज़ के बारे में जब हम रिसर्च करते हैं तो कुछ हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं, तो उसी को बोलते हैं रिसर्च करना। लाइक अनआंसर्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको आंसर्स को फाइंड आउट करना, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना, उसी को हम रिसर्च बोलते हैं। जो चीज़ पहले सर्च हो चुकी है उस पर हम दोबारा रिसर्च करते हैं, ताकि कोई गैप तो नहीं था, नॉलेज ऑफ गैप तो नहीं था, कुछ ऐसा पॉइंट जो सर्च नहीं किया गया है उसमें, तो हम रिसर्च करके उसको फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज़ रिसर्च। नाउ व्हाट इज़ नर्सिंग रिसर्च? सो नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसके शर्मा, सो नर्सिंग रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम कंसर्न विद नर्सिंग, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना जो कि नर्सिंग से रिलेटेड है और उसकी जनरेट करना, रिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग द नर्सिंग नॉलेज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, ताकि किस लिए हम फाइंड कर रहे हैं, क्यों सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं, ताकि जो नर्सिंग केयर है वो इम्प्रूव हो सके, नर्सिंग एजुकेशन इम्प्रूव कर सके एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव कर सके। ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, दैट इज़ नर्सिंग केयर, एक तो नर्सिंग केयर क्वालिटी ऑफ जो हेल्थ केयर होती है, देन नर्सिंग एजुकेशन के लिए बेटर होता है रिसर्च, एंड नर्सिंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए चाहिए हमें रिसर्च करना, ताकि उनको हम बेटर बना सकें। सो दिस इज़ द नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन। एंड सेकेंड डेफिनेशन इज़ अकॉर्डिंग टू पॉलाइट एंड हंगलर, इन्होंने बोला था कि नर्सिंग रिसर्च इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक, ठीक है, इट इज़ सिस्टमैटिक सर्च फॉर नॉलेज अबाउट इशूज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस टू नर्सिंग, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट पॉलाइट एंड हंगर। नेक्स्ट, नीड क्यों है रिसर्च की, ठीक है, क्यों नीड है रिसर्च की, रिसर्च क्यों करनी है, एंड नीड एंड पर्पस, पर्पस क्या है नर्सिंग रिसर्च की, करनी ही क्यों है रिसर्च, है ना। तो फर्स्ट इज कि टू डेवलप रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी नर्सिंग केयर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ताकि जो नर्सिंग केयर की रिक्वायर्ड है उसको हम क्वालिटी को एनहेंस कर पाएँ और एजुकेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि अभी मैंने पहले डेफिनेशन में भी बताया। सो प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, जो भी हमारी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस होती है उसके लिए एक फाउंडेशन तैयार करना, उसके लिए हमें रिसर्च करनी है। नेक्स्ट, ये हेल्प करता है हमें कि नॉलेज जो है वो एक्सपेंड हो पाए, ठीक है, एसेंशियल फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, ताकि जो नर्सिंग का प्रोफेशन है वो भी इसमें भी ग्रोथ है इसके लिए। देन इट एनहेंस देयर प्रोफेशनल आइडेंटिटी एज रिसर्च इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोफेशन, हर एक प्रोफेशन में रिसर्च को किया जाता है, तो अगर हम रिसर्च को नर्सिंग में भी करेंगे तो ये हमारी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको एनहेंस करेगी, हमारे प्रोफेशन को एक स्टैंडर्ड मिलेगा और उसमें जो भी कमियाँ हैं उसको हम सुधार कर पाएंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिफाइन द पैरामीटर ऑफ नर्सिंग, क्या रिसर्च क्या करती है, नर्सिंग की पैरामीटर को डिफाइन करती है, जो कि हेल्प करेगी नर्सेज को आइडेंटिफाई करने में बाउंड्रीज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशन की क्या बाउंड्रीज है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है कि ये रिफाइन एंड एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज, जो भी पुरानी नॉलेज जो पहले सर्च हो चुकी है, पहले रिसर्च हुई है, उसकी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं टाइम के साथ अगर वो ओल्ड हो गई है तो उसको हम न्यू कर सकते हैं, और कुछ ऐसी रिसर्चेस की फाइंडिंग्स जो पहले थी अब हो सकता है उसमें कुछ बदलाव आए हो तो हम नई फाइंडिंग्स को भी ला सकते हैं। आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस दैट मेक अ डिफरेंस इन हेल्थ केयर स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कुछ ऐसी नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस को हम लाएं जिससे कि जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है,
डेवलप एंड डिफाइन नर्सिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, अबाउट रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन. कुछ ऐसे क्वेश्चंस या फिर प्रॉब्लम्स जो कि हमारे नर्सिंग से रिलेटेड है, चाहे वो प्रैक्टिस से हो गया, चाहे वो एजुकेशन से हो गया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो गया. तो जब भी हम रिसर्च करेंगे ना, जब भी हम रिसर्च करेंगे तो हमें उन क्वेश्चंस का पता चलेगा, फिर हम उनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, तक फिर हमें उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे. तो इस तरीके से रिसर्च पूरा हेल्प करता है. सो दिस इज़ कि नीड क्यों है और पर्पस क्या है नर्सिंग रिसर्च के. ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च. ठीक है, रिसर्च के एक रिसर्च कैसी होनी चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट इज ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक होना चाहिए. ठीक है, एक रिसर्च तभी गुड होगी, एक रिसर्च को आप तभी कर पाओगे अच्छे से जब वो कैरेक्टरिस्टिक में ऑर्डरली और सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा. ठीक है, वो सिस्टमैटिक वे में अगर होगी, क्योंकि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है. ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है साइंटिफिक प्रोसेस के लिए कि रिसर्च प्रोसेस के लिए कि जो भी आपका रिसर्च हो वो ऑर्डरली और सिस्टमैटिक वे में हो, बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इशू. और वो आपका करंट जो इश्यूज चल रहे हैं उस पर बेस्ड हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो अभी इश्यूज चल रहे हैं उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो अभी आप रिसर्च कर रहे हैं वो आपकी जो नए टॉपिक्स हैं, जो नए प्रॉब्लम्स हैं, करंट बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, करंट प्रोफेशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, उस पर बेस्ड होनी चाहिए, तभी वो रिसर्च एक अच्छी रिसर्च होगी. बिगिन विद क्लियरली डिफाइंड पर्पस. ठीक है, उसका जो पर्पस है वो पूरा अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, किस लिए करनी है, किस फील्ड में करनी है, ठीक है, किस तरीके से करनी है. एम्फेसाइज डेवलपिंग रिफाइनिंग एंड एक्सपेंडिंग प्रोफेशनल नॉलेज डायरेक्ट टू वर्ड डेवलपमेंट और टेस्टिंग थ्योरीज. सो वो कैसी होनी चाहिए कि जो भी आपकी थ्योरीज है उसको आप टेस्ट कर पाएँ, जो भी आप थ्योरी बना रहे हैं उसको टेस्ट कर पाएँ, इस तरीके से होनी चाहिए. नेक्स्ट इज फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. आपकी जो रिसर्च हो वो ऐसी हो कि कोई सोल्यूशन आप फाइंड करें किसी प्रॉब्लम का. ठीक है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि हाँ आप इस चीज़ पर रिसर्च कर सकते हैं, तो आप उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करें, तो वैसी ही रिसर्च होनी चाहिए. ये नहीं कि बिना प्रॉब्लम के रिसर्च नहीं हो सकती है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, जैसे अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं कि क्या स्मोकिंग से यूथ जो है हमारा, यूथ जो है ज़्यादा प्रभावित होता है, मतलब यूथ ज़्यादा स्मोक करता है. ठीक है, तो अगर आप इस पर रिसर्च करना चाहते हैं कि कितने प्रतिशत यूथ जो है हरियाणा में स्मोकिंग करते हैं और कितनों को डिजीज़ है और कितनों को डिजीज़ नहीं है, तो इसको आपको करने के लिए पूरा एक एनवायरनमेंट चाहिए होगा, एक ऐसा यूथ चाहिए होगा जो स्मोक करता है, एक ऐसा यूथ चाहिए होगा सेक्शन जो नहीं करता है. सो ऐसे आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, किस प्रॉब्लम पर आपको करनी है. तो जैसे आपको इसमें करनी है लंग के ऊपर, तो ये आपका लंग के ऊपर को करनी है, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं ये भी आप फाइंड आउट करेंगे. तो इस तरीके से रिसर्च होती है. नेक्स्ट इज डेडिकेटेड टू डेवलप एम्पेरिकल एविडेंसेस. ठीक है, स्ट्राइव टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन डाटा. जो भी न्यू डाटा है वो आपको अपनी रिसर्च में कलेक्ट करना है. एन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस. जो भी रिसर्च है वो एक लॉजिक वे में होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव उसका पता होना चाहिए कि किस तरीके से करनी है. जनरेट फाइंडिंग्स टू डिफाइन इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस. ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसके साथ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे कि यूज़ अप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी. रिसर्च करने की मैथड्स होते हैं वो हम आगे जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कौन कौन से मैथड्स होते हैं. सो आपको करेक्ट मैथड यूज़ करना है. जब तक आप करेक्ट मैथड का यूज़ नहीं करेंगे तो रिसर्च अच्छी नहीं होगी. ठीक है, एक अच्छी रिसर्च तभी हो सकती है जब आपको उसके मैथड का पता हो, कौन सा मैथड उसके लिए सूटेबल है वो आप यूज़ करेंगे तभी. कंडक्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे होना चाहिए, मतलब कि जिस चीज़ पे आपको करनी है उसी पर होना चाहिए. लेकिन अगर आपको आपने सेलेक्ट किया है कि आपको यूथ के ऊपर रिसर्च करनी है, यूथ के ऊपर रिसर्च करनी है, और अगर आपका यूथ आप लेना चाहते हैं 18 से 40 ईयर्स तक के लोगों को आप यूथ मान रहे हैं और उनको लेना चाहते हैं और स्मोकिंग वाले करनी है, तो आपको यही लेना पड़ेगा. अगर आप 12 ईयर का बच्चा ले लेंगे तो आपकी रिसर्च नहीं होगी, सही से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा. ठीक है, सो एक जो आपने क्राइटेरिया सेट किया है उसी पर ही आपको करना है, तभी वो रिसर्च गुड होगी. कंडक्टेड थ्रू एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मैथड एंड टूल ऑफ डाटा कलेक्शन. ठीक है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैथड से होना चाहिए, टूल ऑफ डाटा कलेक्शन. आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, किसी भी रिसर्च को करने के लिए डाटा कलेक्ट करना होगा. लाइक अगर आपको यूथ के ऊपर रिसर्च करनी है तो आप यूथ को कलेक्ट करेंगे, एक ऐसा गांव ढूंढेंगे, एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे आपको यूथ मिल जाए, फिर आप ऐसे यूथ को ढूंढेंगे जो कि स्मोक करते हों, उनका एक आपको लिस्ट मिल जाए. सो डाटा कैसे कलेक्ट करना है, कौन से टूल से डाटा कलेक्ट करना है. ठीक है,
आप उनसे पूछेंगे कि आप कब से कर रहे हैं स्मोकिंग, तो आप लाइक अब क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चनरी बना ली है, एक लिस्ट बनाई है क्वेश्चंस की, उसमें आपने ऐसे क्वेश्चंस लिख दिया, तो अगर आपको वैसा डाटा कलेक्ट करना है, या आपको उनसे पूछ के कलेक्ट करना है, उनसे डायरेक्ट बात करनी है इंटरव्यू के थ्रू, उनसे डाटा कलेक्ट करना है, तो इस तरीके से करना है, तो आपको टूल पता होना चाहिए। तो करेक्ट टूल का यूज़ करेंगे तभी वो रिसर्च अच्छी होगी। यूज़ अ वैलिड एंड रिलायबल डाटा टूल, ठीक है, वैलिड और रिलायबल डाटा टूल कलेक्शन टूल का यूज़ करना है, मतलब ऐसे ही टूल का यूज़ करना है जो कि वैलिड हो, जो सही हो, ठीक है, रिलायबल हो, मतलब ट्रस्ट वर्दी हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर पाएँ और जिसको जिसके जो फाइंडिंग्स हो उसको सही मान पाएँ। केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, ठीक है, जो भी आप डाटा कलेक्ट करें उसको केयरफुल रिकॉर्ड करें और रिपोर्ट करें, ठीक है, तभी वो कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करेगी, रिसर्च सही हो पाएगी, नहीं तो रिसर्च में क्या हो जाता है, एरर आ जाते हैं, गलत हो जाती है रिसर्च। एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएट एनालाइज रिसर्च, पेशेंसली कैरीड आउट एक्टिविटी, क्योंकि एक रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मनी लगता है, ठीक है, फिर टाइम मनी लगता है और भी चीज़ें लगती हैं, तो पेशेंस अगर होगा तभी एक रिसर्च को पूरा कर पाएंगे। रिसर्च एक्सपर्टीज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड करेज, सो रिसर्च के जो भी आपका टॉपिक सेलेक्ट किया है वो आपके इंटरेस्ट का अगर नहीं होगा तो आप उसको पूरा नहीं करेंगे, तो रिसर्चर जो है इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए टॉपिक जो, ताकि आप उसको पूरा कंप्लीटली कर पाए। सो दीज आर ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च, लाइक एक तो वो ऑर्डरली होना चाहिए ना, ऑर्डरली और सिस्टमेटिक प्रोसेस होना चाहिए, करंट इश्यूज पर बेस्ड होना चाहिए, करंट इश्यूज के साथ साथ आपका जो वैलिड, आप वैलिड टूल का यूज़ करेंगे, रिलायबल टूल का यूज़ करेंगे, है ना, जो आपकी मेथड है ऑफ डाटा कलेक्शन वो सही होनी चाहिए, मेथड के साथ साथ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर कि रिसर्च पूरी हो सके, ताकि इसके साथ ही आप क्या करेंगे, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे, अपनी जो रिसर्च होगी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, जो आपका सैम्पल होगा वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होना चाहिए, मतलब सही सैम्पल होना चाहिए, जो आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, तभी एक रिसर्च पूरी हो पाएगी। फिर आपका जो भी डाटा आता है आपके पास उसको आपको रिकॉर्ड करना है करेक्ट वे से, करेक्टली रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना है। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। नाउ एक रिसर्चर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अगर आप रिसर्चर हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप रिसर्च सही मतलब कर पाएंगे। सो एक तो रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च किस तरीके से की जाती है, एफिशिएंट होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, इफेक्टिव, एक्टिव, रिसोर्सफुल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस। सो दीज ऑल आर दी रिसर्चर्स क्वालिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च रिसर्च। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।